दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज एक अनुभव भेजा है प्रेत शक्ति और हनुमान भक्ति का। भेजने वाले साधक हैं अशोक कुमार जी बुलंदशहर से। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम इनके जीवन में घटित अनुभव से क्या सीख ले सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं अशोक प्रकाश, जिला बुलंदशहर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ और आपका पिछले 6 महीने से नियमित धर्म रहस्य चैनल को देख भी रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक है और रोचक है। आप इस चैनल के माध्यम से लोगों को ज्ञान देने का जो कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है। मैं अपने यहाँ घटित प्रेत बाधाओं को लिखित में सिर्फ आपके धर्म रहस्य चैनल पर भेज रहा हूँ। इससे पूर्व मैंने यह घटनाएं किसी अन्य चैनल पर नहीं भेजी हैं और न ही इसे भेजूंगा। आपसे आग्रह है कि आप इन घटनाओं को वीडियो बनाकर अपने धर्म रहस्य चैनल पर अवश्य ही प्रसारित करें, जिससे अन्य लोग भी जान सकें कि जीवन में ऐसा भी होता है। आप मेरा नाम, पता और अन्य जानकारी साझा कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। मेरी 5 संतान हैं, जिनमें 3 पुत्री, क्रमशः 2 बड़ी पुत्री और फिर 2 पुत्र, फिर सबसे छोटी पुत्री है। 2 पुत्र, बड़ी पुत्री की शादी करीब 9 वर्ष पूर्व दिल्ली के बदरपुर के एक मोहल्ले में की गई थी। मेरे संबंधी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं और उनकी 4 संतानें थीं। सभी पुत्र मेरे दामाद 3रे नंबर के हैं। उनसे बड़े 2 पुत्र शादीशुदा थे। सभी 1 4-मंजिला मकान में एक साथ रह रहे थे। तो गुरुजी, इस घटनाक्रम को आप प्रेत शक्ति और हनुमान भक्ति का नाम दे सकते हैं। इसका पहला भाग इस तरह घटित हुआ कि 19 नवंबर 2018 को दिल्ली स्थित मेरी बड़ी लड़की के देवर राज, किन्हीं कारणों से पात्रों के नाम को मैं गलत लिख रहा हूँ, इनकी यानी कि राज की जो है, जो कि इनकी बड़ी देवी लड़की के देवर थे, उनकी शादी एक दिन पूर्व अर्थात 18 नवंबर 2018 को सगाई थी। तो मैं अपने छोटे पुत्र के साथ सगाई से एक दिन पूर्व यानी कि 17 नवंबर 2018 को अपनी इको गाड़ी, जिसको मैं बुलंदशहर से लालकुआं और गाजियाबाद के डग्गेमारी पर चलाता था, मैं बैठ करके शादी में शामिल होने के लिए अपनी लड़की के यहाँ शाम को पहुंच गया। मुझे और मेरे समधी को शराब पीने का अच्छा शौक था। मेरे पहुंचने पर मेरे समधी ने अच्छी आवभगत की थी, जो कि मेरे आने पर वो हमेशा ही करते थे। पीने के लिए इंग्लिश की अच्छी बोतल ला करके रख दी गई और खाने के लिए मुर्गे का खाना जल्दी बनाने को मैंने अपनी लड़की से कह दिया। फिर वो मेरे पास आकर के बैठ गए और हम दोनों धीरे धीरे शराब पीने लगे। बीच बीच में मेरे समधी टेंट लगाने वालों और शादी में खाना बनाने वालों के पास जाकर देखते रहते थे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। रात के करीब 11:30 बजे मेरी लड़की ने खाना लगा दिया था। हम दोनों समधी खाना खाने लग गए। रात करीब 12 बजे के कुछ समय पश्चात मेरे दामाद अपने बड़े भाई व राज यानी जिसकी शादी थी के साथ बाजार से शॉपिंग कर हमारे पास आ गए। मुझे तब तक अत्यधिक नशा हो चुका था। तब राज ने अपने शादी के कपड़े दिखाने भी शुरू कर दिए थे, वो जो अभी 2 शॉपिंग मॉल से लेकर के आए थे। मैंने अत्यधिक नशे के कारण कपड़े सुबह देखने को कहकर सबसे ऊपर वाली मंजिल में रह रही लड़की के कमरे में सोने के लिए अपने दामाद के हाथ का सहारा लेकर चला गया था। अगली सुबह 6:30 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो अत्यधिक शराब पीने के कारण मेरे सर में काफ़ी दर्द हो रहा था। मैं टॉयलेट करने के लिए वहीं के पास में स्थित टॉयलेट्स में चला गया। जाकर के नॉक किया तो कोई अंदर था। राज ने खांसकर एहसास दिलाया कि वह अंदर है। मैं वहीं खड़ा होकर उसके निकलने का इंतजार करने लगा। करीब 2 मिनट के पश्चात राज जो है टॉयलेट से बाहर निकलाया और जल्दी से अपने कमरे में चला गया। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि ये बिना मेरे
को नमस्ते किया, कैसे चला जा रहा है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। बहरहाल मुझे जोर से टॉयलेट आ रही थी तो मैंने ज़्यादा ना सोचकर टॉयलेट में मैं घुस गया और वहाँ से निवृत्त हो करके लड़की के कमरे में पुनः जाकर बेड पर लेट गया। तब तक कमरे में सो रहे दामाद, लड़की और लड़की के 5 वर्षीय पुत्री अर्थात मेरी देवती और उसका छोटा पुत्र सभी जाग गए। मैंने अपने छोटे लड़के से कहा जल्दी फ्रेश होकर नीचे चलते हैं, आज सगाई है, कुछ काम न रह जाए, नीचे चलते हैं। तभी लड़की बोली कि मैं चाय बनाकर देती हूँ, चाय पीकर चले जाना। वो यह कहकर चाय बनाने लग गई। सुबह करीब 9 बजे वो चाय नाश्ता लेकर आ गई और कहने लगी कि पापा रात को राज यानी जिसकी शादी थी और मम्मी पापा में बहुत लड़ाई हुई थी। मैंने चाय पीते पूछा कि किस बात पर हुई थी लड़ाई, तो फिर वो बताने लग गई कि नीचे जो मेरे दोनों जेठ जिनके कमरों में रह रहे हैं उनमें से एक कमरा उसको देने को बोल रहा थे और रुपए भी मांग रहा था। तब मेरे ससुर ने रुपए देने से इनकार कर दिया था और कमरे के लिए पीछे जो अपना मकान करीब 100 मीटर पीछे की गली में एक 4 मंजिला मकान और था और जिसमें किराएदार रहते थे, शादी के बाद वहां पर रहने के लिए बोल दिया। लड़की ने बताया कि रात को करीब 2 बजे कुछ सगाई वाले लोग सगाई का सामान लेकर छोटी छोटी टाटा 407 जो होती उसमें आ रहे थे और यही बातें करते करते सुबह के 9:10 हो गए थे। तभी राज की माँ यानी मेरी लड़की की सास राज को उठाने ऊपर आ गई। उसके कमरे का दरवाजा बंद देखकर वो खिड़की यानी जहाँ कूलर लगा था वहां से झाँक कर उठकर देखने लगी और कहने लगी, उसने 2-4 बार ही बोला कि वो जोर जोर से फिर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ यह फांसी लगा रहा है। उसकी आवाज को सुनकर मेरे पास ही बैठे मेरे दामाद जल्दी से भागे और झांक कर देखने के पश्चात अपने भाइयों को जोर जोर से आवाज देकर बुलाने लगे और जल्दी से दरवाजे का लॉक तोड़ने लगे। इस काम में मुश्किल से 5 मिनट ही लगे थे। जल्दी से कमरे का लॉक तोड़कर उसको अपने हाथों में लेकर नीचे खड़ी मेरी गाड़ी की चाबी लेकर अपोलो अस्पताल की तरफ हम लोग भागे। उस समय सुबह के 9:15 हो रहे थे। यह सब जगह अफरा तफरी मच गई थी। हम लोग भी अचंभे में आ गए थे कि पल भर में यह सब क्या हो गया है, पूरा घर मातम में बदल गया है। जोर जोर से रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लग गई थी। हम लोगों ने छोटे लड़के से फोन पर संपर्क किया तो पता चला कि डॉक्टर ICU में उसको लेके गए हैं। अभी कुछ भी नहीं पता था। करीब 2 घंटे बाद लड़के का फोन आया कि वो खत्म हो गया है और सब लोग वापस आ रहे हैं, डेड बॉडी कल पोस्टमार्टम के पश्चात ही मिलेगी। इसी बीच जब अस्पताल ले जा रहे थे तो मृतक की ससुराल से सगाई वाले भी रास्ते में आते मिल गए। उनको यह सब बताकर वापस चले जाने के लिए कह दिया गया था। मेरा छोटा लड़का प्राइवेट जॉब के कारण वहां से चला गया और मेरे घर में मेरी पत्नी, छोटी लड़की और बड़ा पुत्र घर आ गए। अगले दिन दोपहर को डेड बॉडी आई और उसका अंतिम संस्कार किया। कुदरत का समय देखिए कि जिस दिन दूल्हे की बारात घर से जाती उस दिन उसकी घर से अर्थी निकली। ऐसे हालात में उस परिवार पर क्या गुजरी होती है यह सोच करके दिल जहल जाता है। शाम को घर छोटा होने के कारण घर के बाहर छोटा सा टेंट लगा दिया गया था। रात को सोने के लिए मेरे समधी का साला और मैं, हम दोनों लोग बात करते और उस मोहल्ले की ऐसी जगह चले गए जहां हरियाणा मरका सस्ती शराब जो है मिलती थी। दोनों पीकर घर के बाहर लगे टेंट में आकर सो गए और रात करीब 2 बजे जिस रजाई यानी कंबल में मैं सो रहा था तो किसी ने बड़ी जोर से रजाई मेरे सिर से ऊपर से खींचकर नाभि तक कर दी। मैंने हल्के नशे की नींद में देखा तो कोई नहीं था। मैं पुनः फौरन सो गया। सुबह इस बात का जिक्र मैंने अपनी लड़की से किया तो उसने बताया कि रात में 3 से 4 औरतों को भी ऐसा लगा था कि किसी ने सोते में उनके कपड़े हटाए हैं। फिर हम लोग अगले दिन तीज यानी कि मरने के बाद की जाने वाली रस्म अदायगी होने के बाद सब अपने घर को चले गए। असली आफत तो अब आने वाली थी हमारे परिवार की। गुरुजी आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं अब तक की कहानी से अवश्य बताइएगा। इस कड़ी का अगला भाग मैं जल्द ही आपको भेज दूंगा। तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने एक कहानी बताई है किस प्रकार से उनके जीवन में एक सच्ची घटना घटी है और
जिस विवाह में वो गए थे उस लड़के ने ही फांसी लगा दी, और उसके बाद प्रेत बाधाओं की विभिन्न प्रकार की घटनाएं वहां पर होने लगी हैं। प्रेत बाधाओं की बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, जब कोई फांसी लगा के मर जाता है या कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करता है जिसकी वजह से असामयिक मृत्यु होती है, तो फिर ऐसी आत्माएं निश्चित रूप से भटकती हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक हम ये बहुत ही ज़्यादा देखने में भी आया है कि जब भी किसी का विवाह हो रहा हो, सगाई हो रही हो, या कोई भी वैवाहिक कार्यक्रम किसी लड़के का हो रहा हो या किसी लड़की का हो रहा हो, उस दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके प्रेत बनने, प्रेतनी बनने के जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए ऐसे जगहों पर विशेष रूप से जो है पूजा पाठ और शुद्धिकरण का कार्यक्रम अच्छी प्रकार से करना चाहिए और परिवार के सभी लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। अब आगे हम लोग जानेंगे कि इनके जीवन में या आगे जो घटना घटी है, क्या घटित हुई है, वो ये लोग अपने अगले भाग में जब ये पत्र लिख के भेजेंगे तो हम निश्चित रूप से उसके बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा वेबसाइट पे मैं जो भी आर्टिकल यहाँ डालता हूँ उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ, उसको आप मेरी वेबसाइट पे जाके पढ़ भी सकते हैं, ताकि आपको दोनों तरह से ही पढ़ने का भी और वीडियो देखने का भी आनंद मिल सके। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।